मैं आपसे ये निर्णय ले चुकी हूँ कि एक मिश्रा जिस डिबेट में आऊंगे कम से कम गरिमा दसौनी उसमें नहीं आएगी। ठीक है, माइक बंद कर दीजिए, भोंकू बंद करिए इनका। नहीं नहीं, एक मिश्रा जी जरा कांग्रेस के बारे में बात कीजिए सर। और कुछ निकल ही नहीं रहा है और मुझे शर्म आ रही है आपके साथ इस पैनल को इस डिबेट को शेयर करने में। जो सम्मानित पत्रकार हमारे साथ जुड़े हैं, सबसे पहले तो मैं जानना चाहूंगी कि चौथे स्तंभ का क्या फर्ज होता है, क्या जिम्मेदारी होती है। और आपने बार बार वंदना जी इनसे एक सवाल पूछा कि जो आज फैसला लिया गया वो पिछले 4.5-5 साल तक सरकार कहाँ सोती रही। मैंने बहुत कैटेगोरिकली बताया कि मार्च 2017 में कांग्रेस के समय पर जो गन्ना का समर्थन मूल्य था वो पिछले 4.5 साल में बरकरार रहा, उसमें 1 पैसा बढ़ोतरी नहीं की गई। हाँ। जबकि पेट्रोल डीजल में 30-40% बढ़ोतरी हो चुकी है। उसका जवाब ये दे नहीं पा रहे पत्रकार महोदय। और मैं हद पर हूँ इनकी बातें सुनकर के सरकार का विरोध करने के लिए विरोध हो रहा है। हम सिर्फ ये पूछना चाह रहे हैं, जानना चाह रहे हैं कि आज जब आपने किसानों की आय दुगनी करने का वादा किया तो ये ऊंट के मुंह में जीरे के बराबर फैसला है या नहीं है। हाँ। एक तरफ आप डीजल की महंगाई देखिए और दूसरी तरफ अपना समर्थन मूल्य देखिए। 10-15 रुपया खैरात देकर उनके मुंह पर मारकर 6,000 रुपया सालाना किसान सम्मान निधि के नाम पर देकर आखिर अन्नदाताओं का सम्मान कर रहे हैं, अपमान कर रहे हैं आप। और मुझे आप पर शर्म आ रही है पत्रकार महोदय कि आप पूरी तरह से एक दल विशेष के माउथ पीस की तरह से नजर आ रहे। एक सवाल आपके पास नहीं है कि जो चौथा स्तंभ होता इसलिए है कि वो सरकारों से सवाल पूछ सके। चौथा स्तंभ की जिम्मेदारी ये है कि वो ये अपनी जिम्मेदारी निभा सके और सरकार की कुनीतियों को जनता के सामने उजागर कर सके। लेकिन आपको चाटुकारिता में और शास्त्रांग मुझे लग रहा है कि सरकार के सामने इतना नतमस्तक है कि आपके मुंह से मोदी जी और पुष्कर धामी जी और डबल इंजन और ट्रिपल इंजन की वंदना करने के अलावा और कुछ निकल ही नहीं रहा है। और मुझे शर्म आ रही है आपके साथ इस पैनल को इस डिबेट को शेयर करने में क्योंकि आपने शर्मसार कर दिया पत्रकारिता को। टिप्पणी करना चाह रहे हैं तो बोले जाते हैं गोदी मीडिया या बिकाऊ मीडिया, वो आप जैसे पत्रकारों के लिए बोले जाते हैं। ठीक है ठीक है, बोलिए एके मिश्रा जी। मैं आपसे ये निर्णय ले चुकी हूँ कि एके मिश्रा जिस डिबेट में आऊंगे कम से कम गरिमा दसौनी उसमें नहीं आएगी। मैं आपसे ये निर्णय ले चुकी हूँ कि एके मिश्रा जिस डिबेट में आऊंगे कम से कम गरिमा दसौनी उसमें नहीं आएगी, क्योंकि मैं एक अगर अपनी मजबूत विपक्ष की जिम्मेदारी का निर्वहन कर रही हूँ तो मैं आपसे भी अपेक्षा रखती हूँ कि आप एक पत्रकार के विभाग में आए तो पत्रकार की हैसियत। ठीक है, एक है मिश्रा जी बोलना चाह रहे हैं। ठीक है गरिमा जी, रुको। ठीक है, मुझे जरा इनका परिचय दे दीजिए, ये किस पार्टी से बिलोंग करती है। कांग्रेस से आती हैं गरिमा जी, सब जानते हैं, आप नहीं जानते। परिचय देने की जरूरत नहीं है, ठीक है, कोई संपर्क या दोस्ती बनाने में कोई रुचि है क्योंकि पत्रकारिता। ठीक है गरिमा जी, रुकिए। ठीक है, नीचे चक्कर उतार कर दिया आपने एके शर्मा जी। शांत रहिए, एके शर्मा या एके मिश्रा जो भी आपका नाम है, आई एम नॉट इंटरेस्टेड इन यू एट ऑल, मुझे आपके नाम में भी इंटरेस्ट नहीं है। ठीक है गरिमा जी, रुकिए। ठीक है, एके मिश्रा जी का यहाँ पर किया है आपने पूरे। ठीक है गरिमा जी, रुक जाइए गरिमा जी, रुकिए। ठीक है गरिमा जी, आपने अपना पॉइंट रख दिया गरिमा जी, रुकिए। ठीक है गरिमा जी, मिश्रा जी ये बता दूं 4-5 बार पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत जी से कार्यक्रम की। ठीक है गरिमा जी, रुकिए, अब एक मिश्रा जी बोलेंगे। ठीक है रुकिए, शर्म आनी चाहिए आपको। एक टीवी में जो चौरासी और 81 में शुरू होती है उसी 84-85 में कोई सरकार। ठीक है गरिमा जी, वो केवल आपका सुन रहे हैं, उन्होंने आपकी बात को सुन लिया। ठीक है गरिमा जी, रुकिए, अब आप भी सुनिए। मिलों को बंद कर दे और किसानों को बेसहारा छोड़ दे। ठीक है, रुकिए, माइक बंद कर दीजिए, भोंकू बंद करिए इनका। नहीं नहीं, एके मिश्रा जी जरा कांग्रेस के बारे में बात कीजिए सर। आप होते कौन है? इनकी सरकार थी, सुनिए, ये गरिमा जी की सरकार जब थी पास्ट में, सारी गरिमा को तोड़ते हुए इनके सरकारों ने किसानों पे गोलियां चलाई हैं। उस वक्त आपकी गरिमा कहाँ गई थी सरकार की? यहाँ किसान एक साल के शासन मर रहे थे, एक लाठी नहीं चली है। सरकार की गरिमा ये होती है? आपका नाम और आपकी गोली तो एकदम अगेंस्ट है जो है। एक मिश्रा जी क्या बोल रहे हैं आप? आज सुबह इसके गोले छोड़े गए किसानों पर, भक्षण किया है किसानों, गोलियां रुपया चलाई है।
देखिए मिश्रा जी, ठीक बात नहीं है सर, आपको आपको निष्पक्ष होकर बात रखनी पड़ेगी। नहीं नहीं, आवाज बंद कर दीजिए, ये तरीका नहीं है। ठीक है ठीक है, एक है मिश्रा जी, महंगाई के इस दौर में क्या इतने से किसान का भला होगा? देखिए दो तीन चीजें हैं, ये जो दाम बढ़ाए गए हैं ये स्वागत योग्य कदम है। इससे दो तीन चीजें बड़ी स्पष्ट हो जाती हैं। एक तो जो लोग ये बोलते थे भाई किसान, ये सरकार जो है किसान विरोधी है, किसानों के बारे में सोचती नहीं है, ये सारी बातें जो है मतलब इनका कोई आधार नहीं रहा। समय समय पे सरकार ने जो है किसानों के बारे में सोचा है। ये कुछ विपक्षी दल ऐसे थे जो बहुत सारे रोड़े जो है रास्ते में अटकाते रहते हैं, आंदोलन वगैरह को उकसाते रहते हैं। मैं अभी शायद मेरे ख्याल से आम आदमी पार्टी से कोई बैठा हुआ था, उनके प्रवक्ता वगैरह अगर सही है, चूंकि मैं देख नहीं पा रहा हूँ यहाँ पे, तो मैं ये बोलूंगा आम आदमी पार्टी तो केवल दिल्ली तक लिमिटेड है, तो वो दिल्ली के किसानों की बात करें ना, दिल्ली में कितने किलो गन्ना उगता है क्या नहीं है, वो जबरदस्ती हर जगह जो है, उत्तराखंड की बात हो, यूपी की बात हो, तो मैं समझता हूँ कि जहाँ आपका कार्य क्षेत्र है आप वहां बेहतर करिए, रेदर देन दुनिया भर के मुद्दे आप उठाते रहिए। इसमें कोई दो राय नहीं है, ये एक अच्छी शुरुआत है इस महंगाई के टाइम पे जहाँ बहुत सारे। लेकिन एक मिश्रा जी, सवाल ये पूछा जा रहा ना कि 4.5 साल की सरकार हो गई, पहले क्यों नहीं गन्ना मूल्य बढ़ाया गया? मैं आपको बता रहा हूँ, जब सरकार आए मान लीजिए शुरू में ही कोई काम करे तो वो राजनीतिक काम है, बीच में कोई काम करे 2-2.5 साल पे तो वहां पे पॉलिटिक्स और विरोध शुरू हो जाएगा। आप इनसे बोलिए, मैं पिछले 7-8 सालों की बात कर रहा हूँ, सरकार बनी भी नहीं, मोदी जी ने चुनाव के लिए नामांकन किया तभी से विरोध शुरू हो गया। तो इनको बोलिए ना जो विरोध कर रहे हैं कि 4-5 साल से विरोध बहुत सारी चीजों का, सरकार के, देखिए सरकार के काम में टांग मतलब काम में अड़ंगा या टांग अड़ाने से देश का विकास नहीं होता है। सरकार के ऊपर बात करके उसके ऊपर एक पॉजिटिव प्रेशर बना करके, मिश्रा जी, लेकिन विपक्ष का काम होता है ना सरकार को आईना दिखाना। नहीं नहीं, सरकार को आईना हद हो गई, आईना दिखाना काम जरूर होता है, लेकिन आईना 4.5 साल से किसानों की याद नहीं आई, चुनाव आ गया तो लॉजिकल बात है ना, ये तो टाइमिंग पर सवाल उठेंगे। नहीं कहाँ चुनाव, हम ठीक है अगर आपको लग रहा है चुनाव आ गया तो क्या करें, वापस कर दें इसको पैसे को, ये बढ़ोतरी नहीं, नहीं, पहले क्यों नहीं हुआ? एके मिश्रा जी आपको भी मालूम है सर आप क्या बोल रहे हैं। नहीं नहीं, मैं वही नहीं, मुझे मालूम है और मैं लोगों को सुन भी रहा हूँ, मैं यही बोल रहा हूँ, मुद्दा केवल एक यही नहीं है, मैं सार्वभौमिक तरीके से देख रहा हूँ। सड़कें बने, कोई चीज बने, सरकार के 50 काम और हुए हैं, ऐसा कौन सा काम है आप मुझे बता दीजिए जिसका विरोध न हुआ हो। आईना दिखाने के नाम पर उस मतलब क्या क्या चीजें आप करते हैं, हर चीजों को रोक करके, अरे कहीं पे भी कोई भी पॉजिटिव चीज हो रही है आप उसमें एक कॉन्ट्रीब्यूशन जरूर दीजिए पॉजिटिव वे में, रेदर देन अब दाम बढ़ गए तो अब ये चुनावी है। ठीक है जी, जिनको लग रहा है ये चुनावी है वो मत ले। ठीक है गरिमा मेहरा जी बोले, ठीक है रुकिए, ठीक है सर रुकिए, मत ले वापस कर दे, ठीक है गरिमा जी बोलेंगे।